नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है त्रिदीप भोमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको अगला मंडे को यानी कि 11 नवंबर को आपको आपका वॉच लिस्ट में लगा के जरूर रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक में कुछ अच्छी हलचल अगला मंडे को होने वाला है जिससे कि आप कुछ पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वो कौन सा स्टॉक है जानते हैं जो कि अगला मंडे को आप ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों उसमें से सबसे पहले है कोफर्ज। आप देख सकते हैं ये कोफर्ज में मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। अभी क्या है, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है दोस्तों। ये आपको 30 मिनट का टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए, 30 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंट ड्रॉ करता हूँ तो देख लीजिए ये वाला दोस्तों, ऐसा दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस को इससे पहला इसका जो पहला दिन का सेशन था उसी में ही कोफर्ज ने तोड़ चुका है और अच्छे वॉल्यूम के साथ भी तोड़ा है। लेकिन अभी क्या है, आप देख सकते हैं अभी जो ये वाला रेजिस्टेंस जोन है उसको कोफर्ज ने एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये अब एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ये जो सपोर्ट जोन है जो कि रेजिस्टेंस जोन पहले था अभी सपोर्ट जोन बन गया है, इस सपोर्ट जोन के ये जो लाल वाला आप देख रहे हैं ये पहले तो आपको 30 मिनट का टाइम फ्रेम में ऐसा एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको अगर आपको इंट्राडे करना चाहते हैं तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आना है और यहाँ पे देख लेना है कि इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर जो कि पहले रेजिस्टेंस जोन था अभी सपोर्ट जोन बन गया है उसके अंदर में कोई भी बुलिश कैंडल स्टिक बनता है कि नहीं। बुलिश कैंडल स्टिक आपको पता ही होगा, या कोई भी हैमर कैंडल स्टिक या फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक या फिर इनगल्फिंग कैंडल स्टिक यहाँ पे बनता है या फिर हरामी बुलिश हो या फिर पियर्सिंग पैटर्न, कुछ भी ऐसा इन्वर्टेड कुछ भी ऐसा बुलिश कैंडल स्टिक यहाँ पे आप बनते हैं तो आप पहले सबसे पहले 5 मिनट में देखेंगे और फिर 15 मिनट में भी देखेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप देखेंगे ऐसा कोई भी यहाँ पे कैंडल बन सकते हैं बनता है तो आप ऊपर की तरफ इसको बहुत अच्छी तरीके से खेल सकते हैं यानी कि ट्रेडिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों याद जरूर रखिएगा, अगर आप यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक बनता है तो उस बुलिश कैंडलस्टिक का जो लो है उसको आपको उस पर नीचे पे आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, ठीक है दोस्तों। बिना स्टॉप लॉस का आप काम मत कीजिएगा या फिर मत पैसा लगाइएगा, ठीक है दोस्तों। और एक बात मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं डे का टाइम फ्रेम में जाता हूँ ये वाला अगर मैं डे का टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ तो भी आप देख सकते हैं ये वाला जो रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर इसको डिलीट कर देता हूँ तो भी आप देख सकते हैं कि ये कोफर्ज जो है ना ये आपका ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इसका पहले का जो हाई थे उसको तोड़ चुका है, तो इसका मतलब क्या है, इसका पहले का हाई जो तोड़ चुका है इसका मतलब है कि कोफर्ज अभी उसके आगे बहुत ऊपर जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, मंडे के दिन देखना है इसका जो पूरा हाई है यानी कि 8034 रुपया इसके ऊपर में ये वाला इसके ऊपर में एक 15 मिनट का हो एक कैंडल 5 मिनट का नहीं एक 15 मिनट का कैंडल बनना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ग्रीन कैंडल 15 मिनट का बनना चाहिए, अगर ऐसा कोई भी ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बन जाता है तो आप समझ जाइएगा कि ऊपर ही जाने वाला है, तब आपको आप इस पर खेल सकते हैं आराम से, ठीक है दोस्तों। आपको हम ठीक है दोस्तों, तो मेरे को लगता है कि आप समझ चुके होंगे कोफर्ज के बारे में। तो मेरा दूसरा जो स्टॉक है उसका नाम है अशोक लेलैंड, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये वाला आ गया, देखिए दोस्तों ये अशोक लेलैंड, ठीक है। ये क्या है, ये आप देख सकते हैं कि डेली का टाइम फ्रेम में ये अपना पूरा जो बॉटम है ना ये अगर यहाँ पे आप एक बॉटम ये वाला पे अगर आप एक सपोर्ट जोन यहाँ पे लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि सपोर्ट को पहला जो उसका सपोर्ट था उसको टच करके अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो उससे पहले मैं अगर आपको इसको 30 मिनट का अगर आप इंटरडे करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए ये वाला ये जो है मैंने अभी जो ड्रॉ किया इसको डिलीट कर देता हूँ। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम में देख लीजिए, 30 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा करके रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करता हूँ तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर चुका है, ठीक है दोस्तों। इस रेजिस्टेंस जोन को देख लीजिए ये वाला देख लीजिए रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक और नीचे देखिए दोस्तों वॉल्यूम बहुत अच्छी तरह,
इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम बहुत अच्छी है, तो ये कोई छोटा मोटा रिटेलर का काम नहीं है, ये बड़ा हाथी का काम है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, अगला मंडे को आपको देखना है इसका जो हाई है यानी कि 223 रुपया, 223 रुपये के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल सस्टेन होना चाहिए। फिर से बोलता हूँ दोस्तों, एक 15 मिनट का कैंडल सस्टेन होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझिएगा कि ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो आप इसमें इंटरडे हो स्विंग ट्रेड हो आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं जो बोलो आपको जो सिग्नल जो कैंडल मिलने वाला है उसका नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाएगा, बिना स्टॉप लॉस का आप ट्रेडिंग मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस जरूर लगाएगा। तो दोस्तों मेरा आज का तीसरा जो स्टॉक है वो रहने वाला है, देखिए मेरा तीसरा जो स्टॉक है वो है वीफिक्स इंडस्ट्रीज। ये दोस्तों देख सकते हैं वीफिक्स इंडस्ट्रीज है, ये आप देख रहे हैं कि ये एक कैसा चल रही है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं अगर इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूँ ये बात, तो दोस्तों आप पहले से देख लीजिए ये वाला स्टॉक क्या है कि ये हायर हाई बनाते हैं, ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे एक क्या हो गया, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्या है, ये क्या है, एक राउंडिंग बॉटम बना रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप मैं यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ ये, तो आपको वेट करना है कि ये जो राउंडिंग बॉटम है इसके ऊपर, यहाँ पर देख लीजिए, आप देख लीजिए ये यहाँ पर क्या करना है, एक ग्रीन कैंडल बनना है। ठीक है दोस्तों, ग्रीन कैंडल उसको बॉडी को लेके, ये जो मैंने क्या है प्राइस रेंज भी बता देता हूँ, 599, ये 500 अब 600 पकड़ लीजिए, इसके ऊपर में अगर एक ग्रीन कैंडल बन जाता है उसके बॉडी के साथ, तो आप आराम से इसके इस पर आप खेल सकते हैं, यानी कि आप सोच सकते हैं कि ये कैंडल ऊपर की तरफ, ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने वाला है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, जिस कैंडल से बॉडी को ऊपर जो बॉडी जो है ऊपर रहना चाहिए, उस कैंडल का जो लो होगा उस पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया कि कैसे क्या करना है। और हाँ दोस्तों, आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको आप कोई भी डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।